subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी मेजर चेंजेस जो इस बार हुए हैं। पिछली बार की भर्ती में नहीं थे, 2016-17 की भर्ती में क्या तब कट ऑफ थी, इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, पूरा सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इस बार नया क्या ऐड हुआ है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सभी अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि पिछली बार जो लास्ट वैकेंसी थी कांस्टेबल की दिल्ली पुलिस की, तब कट ऑफ लिस्ट क्या थी, चलिए सबसे पहले वो जान लेते हैं। मेल कैटेगरी की मैं बात करता हूं, जनरल कैटेगरी की जहां तक बात है 78, ओबीसी 75, एससी 68 और एसटी 67। वहीं पर फीमेल कैटेगरी अगर मैं बात करता हूं तो जनरल में 73, ओबीसी 69, एससी 64 और एसटी 57। तो ये तो थी कट ऑफ पिछली बार की। अब इस बार जो चीजें बदल गई है वो समझ लीजिए, इस बार थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। इससे पहले क्या होता था, पहले फिजिकल जो है वो मेजरमेंट होती थी, उसके बाद जो भी बच्चे अप्लाई करते थे उनका बाद में रिटन टेस्ट होता था फिजिकल क्लियर करने के बाद। तो पहले कुछ बच्चे जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाते थे और टेस्ट में अपीयर बहुत कम बच्चे होते थे, इसलिए ये कट ऑफ यहाँ तक थी। लेकिन इस बार जितने भी कैंडिडेट्स जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सभी रिटन टेस्ट फेस करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो सभी रिटन टेस्ट को फेस करने वाले हैं। इस बात को दिमाग में ध्यान रखना है कि पिछली बार कट ऑफ अगर 75 प्लस थी तो इस बार ये 80 प्लस या 85 तक जा सकती है। इसका दूसरा बड़ा रीज़न ये भी है कि कॉम्पिटिशन चूँकि बढ़ गया है, हर साल चीज़ें थोड़ी सी बच्चों के लिए या फिर पढ़ने वाली कह लीजिए बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कॉम्पिटिशन को और ज़्यादा टफ बना देते हैं। लेकिन चूंकि इस बार एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है इसलिए नेगेटिव मार्किंग है, और जहां तक पिछली बार जो भी टेस्ट होते थे वो एसएससी कंडक्ट नहीं कराती थी, वो दिल्ली पुलिस अपने बिहाफ पर ही कंडक्ट कराती थी और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, इसलिए कट ऑफ वहां तक जाती थी। तो कट ऑफ इस बार थोड़ी सी, ये नहीं कह सकते कि 90 तक पहुंचेगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उस चीजों उन चीजों को कवर कर देगी जो हम कह रहे हैं कि कंपटीशन ज्यादा होगा, सभी कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाए तो आपको 85 के बारे में सोचना है इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं तब भी आपको 75 प्लस तो हर हाल में जो है वो हासिल करने ही होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। ऐसे ही फीमेल कैटेगरी में भी अगर आप हैं तब भी आपको 70 प्लस हर हाल में, 75 अबव अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो लेने की कोशिश करनी है। अगर आपको, आप चाहते हैं कि आप कितने मार्क्स आए तो तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी होगी, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, किस सिलेबस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल पेपर का पैटर्न क्या होगा और क्या चीज़ें नहीं ऐड हुई है सिलेबस में, वो सभी कुछ अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये विजुअल ग्राफिक्स के जरिए। चलिए समझते हैं एक बार कि क्या चीज़ें बदल गई हैं और क्या हमारा सिलेबस होगा, कितने मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट पेपर में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा, तो उसके जहाँ तक मार्क्स की डिटेलिंग की बात है, जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स जो है 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स भी आप इसको कह सकते हैं, 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स। इस बार जो ऐड किया है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल, इसके अंदर एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड्स, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर एटसेट्रा। 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स। ये चीज़ें इंप्लीमेंट इस बार इसलिए की है क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ऑनलाइन ही ऑपरेट होती हैं, तो कैंडिडेट्स को नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम कि डिवीजन ऑफ मार्क्स, मींस के जो सेगमेंट हमने यहाँ पर बात की है अलग अलग तरीके से, किस सेशन में, किस सेक्शन में कितना कुछ आएगा। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो करंट इवेंट्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल पॉलिसीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये सभी कंटेंट, ये सभी टॉपिक्स जो है वो ऐड हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, इन्हीं में से जो है वो जीके या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रीजनिंग की बात की जाए तो एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजंस, फिगर क्लासिफिकेशन,
अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डीकोडिंग। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो ईजिली जो है आप स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स की। तो नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ये सभी सेगमेंट आपको कवर करने हैं अगर आपको मैथ्स में या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो अब बात करते हैं कि कंप्यूटर जो इस बार ऐड हुआ है उसका क्या सिलेबस है। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड द प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसमें एडिटिंग और सेल्स फंक्शन सब चीज़ें आती हैं, बेसिक ऑफ ईमेल सेंडिंग, रिसीविंग ऑफ ईमेल्स, ईमेल आपको भेजने और रिसीव करने आने चाहिए, इंटरनेट कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, वेब ब्राउजर्स आपको ऑपरेट करने आने चाहिए, चाहे वो यूआरएल है या एचटीटीपी है, एफटीपी, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वेब ब्राउजिंग है, सॉफ्टवेयर, चैट, वीडियो एट्सेट्रा, कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें इसी बार ऐड की गई हैं क्योंकि मैं बता चुका हूँ चीज़ें अब धीरे धीरे ऑनलाइन होने जा रही हैं सभी चीज़ें, तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे सभी कैंडिडेट और एम्प्लॉयज़ को नॉलेज हो। तो आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आई होप कि आपके मार्क्स उतने आ जाएंगे जितना आपको स्कोर करना है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस बार आपको मेल कैटेगरी के अंदर 80 प्लस स्कोर करने की कोशिश करनी है, ऐसे फीमेल कैटेगरी के अंदर जो है वो 70 प्लस स्कोर करने की कोशिश करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि टेस्ट इस बार एसएससी ऑर्गेनाइज कराएगा और टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल होगा और बाद में टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है, सभी को टेस्ट फेस करना है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।